इतनी गर्मी और इतने सारे कपड़ों पर प्रेस करनी है गाइस, मुझे देखकर ही पसीना आ रहा है। तो चलिए, स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आप इंजॉय करेंगे। तो इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही, बहुत सारे प्रेस करनी है इन पर। और इधर देखो, बेटू देख रहा है आयरन मैन लेटा हुआ है। मैंने इससे कह दिया, मैंने बेटा मैं प्रेस कर लूँ, आप यहाँ जब तक लेट के टीवी देख लो। तो टीवी में आयरन मैन देख रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जैसे ही मैं प्रेस करके फ्री हुई तो देखा कि बेटू की दुकान लग चुकी है कमरा में। ये देखो, खिलौनों की दुकान लगा के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं मम्मा मेरे रखना मत। तो चलिए, शाम हो गई है, मैं बना लूँ खाना। तो खाना बना लूँ, मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आटा लगाती हूँ, फिर आराम से सब्ज़ी वगैरह काट के मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। मैंने आटा छान लिया है और अब मैं लगाऊँगी आटा। और मेरा आटा लग के यहाँ हो गया है तैयार। मैंने बर्तन डाल दिया है वो पर मैं, तो अब चलो काट लेते हैं सब्जी, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्जी, मसालेदार तुरई। तो चलिए जल्दी फटाफट से तुरई काट लेते हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्ची काट ली है, अब प्याज काट रही हूँ और बस तुरई छील के तुरई काटूँगी और फिर मिलते हैं सब्जी काटने के बाद। तो गाइज, मेरी सब्ज़ी कट गई है। ये देखिए, मैंने तोरी काट लिया, हरी मिर्च प्याज टमाटर काट लिया और कमरा में आई तो ये देखो अतर की चैतानी फिर से चालू हो गई है। इधर अतर के पापा आ गए हैं, बुलाए पाव भाजी। तो देखो अतर की खुशी देखिए आप लोग, पापा से प्यार देखिए, पाव भाजी खाने की खुशी है और कुछ नहीं है। पाव भाजी खाने के लिए बैठा हुआ है, भूख लग रही थी उसको बहुत तेज। तो अगर गाइज आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है, आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जब तक मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया
करना, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को तोरई की सब्ज़ी कैसी लगती है, और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो कैसी लगी मेरी तोरई की सब्ज़ी और आज का ब्लॉग कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए।